मकर राशि, नवंबर का महीना आपके बीच में है और आप चाहते हैं कि जाते जाते महीने में कुछ अच्छे समाचार हमारे जीवन में प्राप्त हो, लेकिन यहाँ पर मकर राशि वालों का जो स्वामी है वह शनि है। यह शनि आपको धन के प्रति आकर्षित करेगा, आप धन किसी न किसी काम में जरूर लगाएंगे, तो जहाँ आप धन लगाओगे तो शनि के प्रभाव से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। ज़मीन में भी आप धन लगा सकते हैं या फिर किसी न किसी बिल्डिंग को खरीदने में आप अपना धन लगा सकते हैं, कोई नए व्यापार में आप धन लगा सकते हैं, लेकिन इतना अपने को ध्यान रखना है किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। जो कुछ भी काम करना है थोड़ा करो, लेकिन अपने मन में जो आए वही करना, कोई कुछ भी कहे फिर भी उसकी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपने किसी पर अंधविश्वास किया तो इस महीने आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके जीवन में आ सकती है, असफलता का सामना करना पड़ सकता है और आपको मानसिक तनाव के प्रभाव से स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, बहुत बड़ी तकलीफ आपके जीवन में आ सकती है। क्यों? आपने किसी पर विश्वास किया है। अपने आप पर विश्वास करो, मंदिर बने हुए हैं, भगवान की मूर्तियाँ स्थापित हैं, उन पर विश्वास करो, संत जहाँ पर हैं संत का आशीर्वाद लेकर के उनका आदेश लीजिए, उन पर विश्वास करोगे तभी आप इस विश्व पर वास कर पाओगे, नहीं तो आपका जीवन अंधविश्वास के साथ चलेगा। आपके लिए यहाँ पर सबसे अच्छा उपाय है आप सेवक को दान दें, जो आपको सेवा दे रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, आपकी गाड़ी चला रहे हैं, आप उन्हें दीपावली के दो दिन पहले कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें उनकी उपयोग की अवश्य दान करेंगे, तो नियम से उनकी जो अंदर की दुआएं हैं वह दुआएं आपके लिए दवा का काम करेगी, आपको बड़ी बड़ी परेशानी से बाहर निकालेगी। आपका जो कलर है वह नीला कलर आपके लिए शुभ कलर है। आपको यदि यात्रा करना है तो पश्चिम दिशा में आप यात्रा कीजिए। आपका जो लकी अंक है वह अंक एक है और 5 अंक भी आपके लिए लकी है। आप जहाँ मुनि सुब्रतनाथ प्रभु हैं वहाँ की यात्रा इस महीने आप लोग कर सकते हैं, पूरे परिवार के साथ जुड़ के कर सकते हैं और यह दीपावली आपके लिए शुभ रूप में रहेगी। इस समय आपको जो दीप लगाना है वह आपको मिट्टी के ही दीपक लगाना है, तेल का दीपक आपको ज़रूर प्रज्वलित करना है, दहलीज पर आपको तेल के दीपक लगा करके दीपावली को शुभ दीपावली के रूप में मनाना है। और जो हिंदू पद्धति से जुड़े हैं तो वो शनि मंदिर से जुड़े हैं, जैन पद्धति से जुड़े हैं वो मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मंदिर से जुड़े हैं, तो इस तरीके से आप जाप करें। यही मेरी भावना है कि इस नवंबर के महीने में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो, प्रभु आपके साथ रहें और आपका विश्वास आपके साथ रहे, तो ही आप कुछ अच्छा खास इस महीने कर सकते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद।